शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के समीप दत्तनगर नामक स्थान में सरकार के और स्पोर्ट्स होस्ट व इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 6 करोड़ की राशि खर्च करने के बाद आखिरी चरण के कार्य कुछ वर्षों के लिए रोक दिए गए हैं। ऐसे में आलीशान परिसर वीरान होने के कारण असामाजिक तत्वों का डर बनता जा रहा है। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के समीप दत्तनगर नामक स्थान में सरकार की ओर से स्पोर्ट्स होस्ट व इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 6 करोड़ की राशि खर्च करने के बाद आखिरी चरण के कार्य कुछ वर्षों से रोक दिए गए हैं। ऐसे में आलीशान परिसर वीरान होने के कारण असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। इससे स्थानीय युवा और खिलाड़ी काफी चिंतित हैं। आसपास के ग्रामीण खिलाड़ियों का कहना है कि इस परिसर में नशेड़ी और अन्य असामाजिक तत्व अक्सर आ रहे हैं, इससे माहौल बिगड़ रहा है। स्थानीय युवाओं में भी गलत संदेश जा रहा है। सरकार तुरंत इस दिशा में कदम उठाकर निर्माण पूर्ण करे ताकि इस परिसर का उपयोग खेल गतिविधियों के लिए हो सके। जो युवा आजकल नशे की गिरफ्त में पड़ रहा है, उन्हें खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके। अन्य करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये परिसर धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता जा रहा है। अशोक मेहता ने बताया कि सरकार से निवेदन है कि यहाँ इस परिसर में जो असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें रोका जाए और इस परिसर का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाए ताकि क्षेत्र के युवाओं का ध्यान नशे की ओर न जाकर खेलों की ओर मुड़े। स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण हुआ है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसमें लगभग 6 करोड़ की राशि प्रत्याशित हुई थी, परंतु जब मैं देख रहा हूँ यहाँ की स्थिति, यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हो हमारे श्रोणी में लगभग 40-50 लड़के स्पेशली क्रिकेट खेलने आते हैं, इसके अलावा वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी है, बहुत सारे खिलाड़ी है, परंतु यहाँ पर जो जिस तरह का प्रावधान होना चाहिए था वो प्रावधान अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया गया है। ये इस चीज के लिए इन्वेस्ट हुआ है कि हम शाम को देखते हैं यहाँ पर एक नशे का हब बन गया है। रामपुर से आते हैं, नोगली से आते हैं, दत्तनगर से या स्ट्रॉनिंग के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर चिट्टा है, कोई अफीम है, कोई दूसरी चीज, शराब शुरू सब कुछ चल रहा है। मैं स्टेट गवर्नमेंट से आग्रह करता हूं कि इस हॉस्टल में के लिए और राशि का प्रावधान किया जाए ताकि ये हॉस्टल सुचारू रूप से शुरू हो सके।